नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। बरेली की तहसील नवाबगंज के गांव हरहर मटकली में कब्रिस्तान के बराबर में मीडाढार हजरत सैयद शाह मियां की दरगाह है। इस दरगाह को रात के समय कुछ खुराफातियों ने दरगाह के रोजे शहीद गुम्बद को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। सुबह के समय कुछ लोग सुल्तान रजा और वसीम नेता नाम के नौजवान टहलने निकले तो देखा कि दरगाह क्षतिग्रस्त है। तुरंत गाँव की प्रधान शबाना बेगम को सूचना दी। तब प्रधानपति नफीस अहमद ने तुरंत इसकी जानकारी फोन द्वारा कोतवाल हाफिजगंज को दी। कोतवाल हाफिजगंज अजीत प्रताप सिंह भारी पुलिस फोर्स लेकर हरपुर मटकली दरगाह पर पहुंचे और देखा कि दरगाह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। कोतवाल ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए गांव वालों को विश्वास में लेते हुए दरगाह को दुरुस्त कराया और गाँव वालों को आश्वासन दिया, जिसने भी ये खुराफात को अंजाम दिया है उसे किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गांव के जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार मुख्तार अहमद अंसारी और रईस अहमद अंसारी ने मजार शरीफ की बाउंड्री कराने की शासन और प्रशासन से मांग की है। एक्चुअली मैं जब यहाँ पर आया, ये बहुत पहले से एक अच्छा स्थान है, यहाँ पर मजार बना हुआ है और ये काफ़ी समय से बना हुआ है। चूँकि जब मैं क्षेत्र में यहाँ आया था तो प्रधान जी के साथ और ग्रामीणों के साथ, ये चूँकि बड़ी अच्छी रोचक जगह है, लोग यहाँ पर जो है अपना मजार पे आके अपना प्रसाद और जो भी है उसका भी यहाँ वो करते हैं। और अच्छा स्थान बना हुआ था, इसके कुछ जो गुंबद वगैरह हैं वो भी सब पहले आज से ठीक थे, लेकिन रात्रि में पता नहीं कैसे करके मैंने देखा कि हाँ ये क्षतिग्रस्त किया गया है। और यहाँ पर जो है ग्रामीणों के, प्रधान जी के और सभी लोगों के सहयोग से उस जो क्षतिग्रस्त पूजनीय मजार है उसको जो है सही करा दिया गया है। एसएचओ साहब की तरफ से कराया? हाँ हाँ, इसमें हमारे जो थाना अध्यक्ष हाफिजगंज जो हैं और उनकी पूरी पुलिस टीम पूरा सहयोग उनका रहा है। और थाना अध्यक्ष साहब तो मैं जब से मैं यहाँ आया मैंने देखा कि पूरी तन्मयता से और ग्रामीणों के साथ प्रधान जी के साथ लगे रहे और सब ने बड़े अमन चैन की एक मिसाइल यहाँ कायम की है प्रधान जी के माध्यम से भी, और किसी प्रकार का यहाँ कोई द्वेष भावना अब इस तरीके की नहीं है। सर ये समझ नहीं आ रहा है क्योंकि जो घटना है ये रात में की गई है, तो इसलिए ग्रामीणवासी और जो जागरूक लोग भी हैं वो भी थोड़े अनजान हैं कि ऐसी घटना रात में कौन कर सकता है। तो अब ये लोग अपने किसी न किसी माध्यम से जानकारी जुटा रहे हैं, पुलिस भी उसमें अपना संज्ञान ले रही है कि ये आखिर कैसे ये माहौल बिगाड़ने का प्रयास नहीं है। बहुत देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।